हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर ग्लोबलाइजेशन दैट इज रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन का जो कि जो रेसिस्टेंस था जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो क्या था और देखिए वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी कंटेंशियस सब्जेक्ट एंड हैज़ इन्वाइटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब ये हमको पहले से ही पता है ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि बहुत से लोग आर्ग्यू करना चाहते हैं और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी होता है पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक्स अ वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट जो ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक हैं जो उसकी आलोचना करते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो बहुत से पॉइंट बताते हैं वराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो आर्ग्यूमेंट क्या है देखिए दोज आर ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू दैट कंटम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रजेंट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रो ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर अब देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं आइडियोलॉजिकली और भी तरह के हैं पर मेन जो है एक तो लोग हैं जो कि लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं जो लेफ्टिस्ट होते हैं आपने लेफ्टिस्ट पार्टी के बारे में सुना है तो वो पार्टीज़ जो कि सोशलज़म की बात करती हैं समाज की बात करती हैं इक्वालिटी की बात करती हैं तो वो ऐसा आर्ग्यू करती हैं कि जो कंटम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है जो आज का ग्लोबलाइजेशन है वो एक तरह का ग्लोबल कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है मतलब पूरी दुनिया में क्या करता है कि जो लोग रिच हैं उनको रिचर बनाता है वो और पैसे वाले हो जाते हैं और जो गरीब है उसको और गरीब कर रहा है तो ये लेफ्ट विंग वाले बोल रहे हैं जो कि सोशलिज्म का सपोर्ट करते हैं और उनका ये कहना है कि वीकनिंग ऑफ द स्टेट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स वर्क तो कहते हैं कि जो स्टेट की कैपेसिटी में वीकनिंग हो जा रही है स्टेट की कैपेसिटी कम हो जा रही है उसकी पावर्स कम हो जा रही हैं तो वो अपना वेलफेयर का काम ख़त्म कर दे रहे हैं और वो वेलफेयर स्टेट से हट करके वो एक जो बेसिक जो मिनिमल स्टेट में चेंज होता चला जा रहा है क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एनजाइटी ओवर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चरल इफेक्ट जो ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिक्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि इसके जो इम्पैक्ट हैं चाहे वो पॉलिटिकली पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो स्टेट की पावर कम होती चली जा रही हैं वो वेलफेयर स्टेट से हट के मिनिमल स्टेट में चेंज हो रहा है इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है कि रिच रिचर हो रहा है पोअर Poor, पुअर हो रहा है और जो कल्चरल इफेक्ट हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कल्चरल होमोजेनाइजेशन जो इफेक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट नहीं हैं और इसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो इसका अपोज करते हैं इन पॉलिटिकल टर्म्स दे ऑल्सो फेयर द वीकनिंग ऑफ द स्टेट उन उनका कहना है कि पॉलिटिकल टर्म में जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट हो रहा है वो स्टेट वीकन होता चला जा रहा है स्टेट की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है वो वेलफेयर स्टेट से हट जा रहा है और इकोनॉमिकली दे वांट टू रिटर्न टू सेल्फ़ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म इन लीस्ट इन सर्टेन एरियाज ऑफ इकोनॉमी और वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली है जो गवर्नमेंट को किसी किसी एरिया में प्रोटेक्शन protection, प्रोटेक्शनज़म जो आइडिया है वो अप्लाई करना चाहिए प्रोटेक्शनिज्म अपनाना चाहिए किसी किसी एरिया में ग्लोबलाइजेशन को रोक देना चाहिए एंड कल्चरली दे आर वरीड द ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म एंड पीपल विल लूज देयर ओल्ड एज वैल्यूज़ एंड वेज और कल्चरली उनका ये कहना है कि कल्चरली जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे कल्चर को हार्म करेगा जो लोग जो हमारे पुराने बहुत सालों के जो ओल्ड एज वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी तो ये जो लोग जो लोग सोशलिस्ट हैं जो लेफ़्ट विंग के लोग हैं वो ये सब इन सब बातों के ऊपर ग्लोबलाइजेशन की को क्रिटिसाइज़ करते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट शुरू हुए तो वो ग्लोबल नेटवर्क पर ही हुए मतलब कहने का यह है कि ग्लोबलाइजेशन जो फ़ायदा हुआ लोगों को जो पूरे दुनिया में लोग आपस में कनेक्ट हुए टेक्नोलॉजी के थ्रू और किसी भी चीज़ के थ्रू इंटरनेट के थ्रू तो जो उन उन लोगों ने मूवमेंट किया और वो मूवमेंट उन्होंने एंटी ग्लोबलाइजेशन किया और अलाइंग विद हु फील दैम इन देर इन द अदर कंट्रीज़ और उन लोग वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे जो उनको ये फील होता था कि वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं वो उसको अपनी कंट्री जैसा फ़ील नहीं कर रहे थे तो उन लोगों ने एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चलाया मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो इसलिए जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है तो वो वो किन लोगों ने चलाया वो उन लोगों ने चलाया जो ये फील करते थे वो अपनी कंट्री में नहीं है इसका मतलब है कि वो वो लोग थे जो कि ग्लोबलाइजेशन की, की वजह से मूव कर चुके थे एक वो लोग थे और जो मूवमेंट चला जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग वो थे कि जो अलग अलग कंट्रीज़ में थे और वो इंटरनेट के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उन्हें मिली थी उस वजह से वो कलेक्ट हुए इसलिए वो ग्लोबलाइजेशन का विरोध तो नहीं करते थे लेकिन लेकिन जो पर से एज मच एज दे अपोज टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच दे सी एज अ फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म तो परसे मीन्स इन इट वो ग्लोबलाइजेशन इन इट्स को विरो का अपोज तो नहीं करते थे लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता था इम्पीरियलिज्म जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है इम्पीरियल उसका विरोध कर रहे थे इम्पीरियल क्या है इम्पीरियलिज्म इज़ अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज़ पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन यूज़ ऑफ़ मिलिट्री फोर्स और अदर में सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपीरियलिज्म आ रहा है कंट्री की पावर बढ़ती चली जा रही है जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके जो इफेक्ट हैं उनका कल्चरल इफ़ेक्ट हो जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में आपने देखा कि मैकडोनलाइजेशन हो गया है कल्चरल होमोजीनिटी आ गई है ग्लोबल कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो वो इस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का अपोज़ नहीं कर रहे हैं इन 1999 नाइन एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग देवर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एट सीएटल एट सीएटल अलॉन्ग एलिजिंग एंड फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस बाय द इकनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज अब देखिए नाइनटीन नाइनटी नाइन में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी सियाटल में अमेरिका में एक जगह है दैट इज कॉल सियाटल सियाटल में जब मीटिंग शुरू हुई तो थर्टीथ नवम्बर टिल थर्ड ऑफ दिसंबर तो वहाँ पर कम से कम फोर्टी थाउजेंड प्रोटेस्टर्स आ गए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड uh, की जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हो रही थी उस होटल के सामने बहुत प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट को निक नेम दिया गया एन थर्टी तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो वो कंप्लेन कर रहे थे कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और जो ट्रेड प्रैक्टिसेस इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट अपना रहे हैं शायद अमेरिका जैसे अपना फॉलो uh, कर रहा है या कोई और भी इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रेड बैरियर हटाने के लिए बोल रही हैं करी पुअर कंट्री से लेकिन अपने वहाँ नहीं हटा रही हैं और जो भी उनके ट्रेड प्रैक्टिस हैं उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन हुआ और जब ये एलिगेशन हुआ तो उसको बैटल ऑफ सियाटल भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था जो ये प्रोटेस्ट था उसको बैटल ऑफ सीआटल भी बोला जाता है और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और ये इट वॉज़ आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ़ द डेवलपिंग वर्ल्ड वेर नॉट गिवन सफिशेंट इम्पॉर्टेंस इन द इवॉल्विंग ग्लोबल इकनॉमिक सिस्टम तो उस वक्त ही जो लोगों ने इसका क्रिटिसाइज़ किया इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया उनका ये कहना था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इकनॉमिक सिस्टम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है इससे उनकी इकनॉमी जो है वो ख़राब होती चली जा रही है तो उनकी जो जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा है वर्ल्ड सोशल फोरम इज अना द्लोबल प्लेटफॉर्म विच बींग अ वाइड कोलिशन कम्पोज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन्वामेंटलिस्ट लेबर यूथ विमेन एक्टिविस्ट अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम एक वर्ल्ड सोशल फोरम है जहाँ पर एनुअली मीटिंग होती है और ये पहली बार ब्राज़ील में हुई थी और हर साल ये मीटिंग होती है और एक इस बारे में होती है टू फाइंड सोलूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टाइम तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम में इसमें इस कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं ये हैं इसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आते हैं इन्वामेंटलिस्ट होते हैं इसमें लेबर्स का ग्रुप है इसमें यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट हैं फार्मर्स हैं तो ये सारे के सारे लोग मिलकर के वर्ल्ड सोशल फोरम बनाते हैं और वो साल में एक बार ये लोग मीटिंग करते हैं और इन्होंने किसका अपोज किया न्यो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अब न्यो लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है न्यो लिबरल ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ सच एज एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल डी रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स एंड रिड्यूसिंग स्टेट इन्फ्लुएंस इन द इकॉनमी स्पेशली थ्रू प्राइवेटाइजेशन एंड ऑस्टेरिटी अब देखिए न्यो लिबरल ग्लोबलाइजेशन क्या है इसका मतलब है कि जितने भी रिफ़ॉर्म्स हम कर रहे हैं जितने भी स्टेट रिफॉर्म कर रहा है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ट्रेड बैरियर्स में वो मार्केट ओरिएंटेड है मतलब किसको फ़ायदा हो रहा है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है प्रॉफिट चाहिए उसमें लोगों को तो ये न्यू लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हैं और उस रिफॉर्म्स में क्या क्या होता है वो प्राइस एलिमिनेट करते हैं रेगुलेशन डी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोल करते हैं और मार्केट को जो है कैपिटलिस्ट मार्केट बना देते हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वेलफेयर के लिए काम नहीं करते तो इतने जो वर्ल्ड सोशल फोरम हैं जिसमें आपकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं इन्वायरमेंटलिस्ट हैं लेबर हैं यूथ हैं फार्मर्स हैं वमन एक्टिविस्ट हैं ये सारे के सारे लोग न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अगेंस्ट हैं वो उसको उसको अपोज करते हैं द फर्स्ट डब्ल्यू मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन पोर्टो एलिग्रे ब्राज़ील इन 2001 में सबसे पहले ब्राज़ील में इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ हुई और 2004 में मुंबई में हुई थी और लेटेस्ट 2060 में मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी मीटिंग हुई थी इंडियन रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन वट हैज़ बीन इंडियाज़ एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन सोशल मोमेंट प्ले अ रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम एंड फाइटिंग वेज टू डील मैटर्स दैट ट्रबल दैम अब देखिए क्या है इंडिया ने कितना ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट किया है कितना इसका अपोज किया है कितना इसका विरोध किया है अब देखिए जितने भी सोशल मूवमेंट चलते हैं वर्ल्ड में वो हमें उन मैटर्स के लिए सोल्यूशन बताते हैं जो मैटर्स हमें प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स ये तो अलग अलग समय में रेसिस्टेंट ग्लोबलाइजेशन का रेसिस्टेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में आया हमारे वहाँ देर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबराइजेशन वॉर्स थ्रू पोलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू फोरम लाइक इंडियन सोशल फोरम अब देखिए जो लेफ्ट विंग थी जो सोशलिस्ट लोग हैं जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रो, प्रोटेक्ट करते हैं का प्रोटेस्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू वो अपनी बात रखते हैं और जैसे इंडियन सोशल फोरम है वो अपनी बात रखता है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए इसमें गरीबों का नुकसान हो रहा है तो इस तरह की जो ट्रेड यूनियंस हैं जो जो इंडियन सोशल फोरम बना हुआ है जो कि हम, हम ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन से इक्वालिटी नहीं आती है रिच रिचर होते चले जा रहे हैं कैपिटलिज्म आ रहा है पुअर पुअर होते जा रहे चले चले जा, जा रहे हैं तो ऐसे इंडियन सोशल फोरम है वो ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्ट करता है ट्रेड यूनियंस हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की लेबर्स की आपको पता है कि मिनिमम वेज जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मिनिमम वेजेस उन्होंने फॉलो नहीं किया और वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जॉब परमानेंट नहीं करी तो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स जितनी भी है लेबर्स जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका अगेंस्ट है रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंट्री ऑफ मल्टी नेशनल्स ऑफ फार्मर्स ने भी इसको विरोध किया क्यों फार्मर्स ने विरोध किया क्योंकि फार्मर्स को भी इससे ग्लोबलाइजेशन से उनका जो सामान है वो नहीं बिक पा रहा था या फिर सीड्स की उनको प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनका जो पेटेंट है उनकी बहुत सी इंडिया की बहुत सी चीज़ों का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया है जैसे कि एग्जांपल है कि नीम का जो पेटेंट है अमेरिकन और यूरोपियन फॉर्म्स ने ले लिया तो इसका अपोज फार्मर्स ने किया या फिर टर्मरिक का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया इसका अपोज़ फार्मर्स करते हैं पेटेंट की वजह से उनको अमेरिका को उस चीज़ की पेमेंट लग कंटिन्यूसली करती रहनी पड़ती है तो इसकी वजह से फार्मर्स एसोसिएशन ने भी ग्लोबलाइजेशन का को अपोज़ किया उसको क्रिटिसाइज़ किया है रेसिस्टेंस टू ग्लोबाइजन हैज़ आल्सो कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल राइट दिस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेज अब देखिए जो ग्लोबलाइेशन का विरोध हुआ वो पॉलिटिकल राइट right की तरह भी आया वो कैसे आया देखिए इसमें क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में आया जैसे कि आपने देखा कि वैलेंटाइन डे फोर्टीन फेब्रवरी को होता है तो उसमें बहुत से लोग जो होते हैं जो राइट right विंग के लोग हैं वो इसका अपोज करते हैं जो पोलिटिकल किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पोलिटिकल ग्रुप को फॉलो करते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टीवी है चैनल्स भी कुछ हैं उनका फॉरेन चैनल्स का भी विरोध करते हैं केबल नेटवर्क्स में भी किसी किसी चैनल को कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए या वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है या हेलोइन का सेलिब्रेशन हो रहा है या वेस्टनाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस इसका भी कुछ लोग अपोज करते हैं तो ये जो हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट हैं जो कल्चरल इफ़ेक्ट हैं उनके उनको उनको रेसिस्ट करती हैं उनके अगेंस्ट हैं उनको क्रिटिसाइज करती हैं और उनका अपोज करती हैं तो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन की रसिस्टेंस हुई वो उसका अपोज और क्रिटिसाइज़ किस तरह से हुआ थैंक यू अ नाइस डे